हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 की फर्स्ट जो पोएम है उसका नाम है ट्रेन्स। ट्रेन्स का मतलब आप सबको पता है, ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी। आप गुजराती में बोलते हो उसको तो रेलगाड़ी। तो यहाँ हमें ट्रेन्स के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है वो हमें आज पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पहाड़। तो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स यानी जो मैदान, सीधे मैदान होते हैं वो। ओवर द रिवर्स, रिवर्स यानी नदियाँ। हियर कम द ट्रेन्स। तो ओवर द माउंटेन्स यानी कि माउंटेन के ऊपर, यानी पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर। ओवर द प्लेन्स यानी कि जो मैदान होते हैं उनके ऊपर। ओवर द रिवर्स यानी नदियों के ऊपर। हियर कम द ट्रेन्स, यहाँ पे ट्रेन आती है। तो वो क्या बोलता है, ट्रेन कहाँ कहाँ पे आती है, माउंटेन यानी पर्वतों पे आती है, प्लेन्स यानी मैदानों में आती है, और रिवर्स यानी नदियों के ऊपर आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर यानी जो मुसाफर है वो, यानी कि जो ट्रेन में आते जाते हैं वो। कैरिंग यानी ले जाना। मेल, मेल का मतलब होता है पत्र या पार्सल, मतलब कोई चीज है जो हम, कोई लेटर है तो हम पत्र यानी लेटर भेजते हैं, और मेल यानी कोई चीज होती है वो। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स, प्रीशियस लोड्स यानी बहुत जरूरी सामान। प्रीशियस यानी बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, वैल्यूएबल। लोड्स यानी सामान। इन विदाउट फेल, विदाउट फेल यानी रेगुलरली, हमेशा, हर रोज। तो कैरिंग पैसेंजर्स वो मुसाफरों को ले जाते हैं, यानी कि यात्रियों को ले जाते हैं। कैरिंग मेल्स यानी कि उनके कीमती, बहुत जरूरी जो सामान, भारी सामान होते हैं उसको ले जाते हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल, और वो उनके जो सभी सामान है बहुत भारी या कीमती, प्रीसियस लोड्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो सामान है उसको भूले बिना ले जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ट्रेन क्या क्या करती है, तो ट्रेन है वो पैसेंजर को ले जाती है, उनके सामान को, पत्र यानी कि जो हम पत्र या पार्सल कोई चीज उसको ले जाते हैं वो। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल, और उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही वैल्यूएबल लोड्स है उसको भूले बिना ले जाती है। थाउजेंड्स ऑफ ब्रेड कार्स, ब्रेड कार्स यानी कि जो भाड़े पे चलती है वो कार। ऑल रुशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डाउन। तो वो क्या बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ब्रेड कार्स ऑल रुशिंग ऑन, यानी कि वहाँ पे हजारों मालवाहक कारें दौड़ती है। थ्रू डे और डार्कनेस, डे यानी दिन और डार्कनेस यानी रात। तो दिन और रात के माध्यम में, थ्रू डस्क एंड डाउन, डस्क डस्क यानी शाम का ढलना, यानी शाम का ढलना मतलब व्हेन सनसेट, सनसेट होता है यानी कि जब हम शाम होती है तब। एंड डाउन यानी कि व्हेन सन राइज यानी कि सुबह। तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऐसी कार्स है, मालवाहक गाड़ियाँ है जो यहाँ पे दौड़ती है सुबह और रात, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। वो क्या बोलती है कि ओवर द माउंटेन्स यानी कि माउंटेन पे, प्लेन्स प्लेन्स यानी मैदान पे, रिवर पे, यहाँ पे ट्रेन्स आती है। तो बच्चों, ट्रेन, ट्रेन में हमने देखा कि ट्रेन कहाँ पे आती है, तो माउंटेन पे आती है, प्लेनीज प्लेन्स पे आती है, रिवर पर आती है, और वो क्या करती है, तो वो पैसेंजर को ले जाती है, उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है वो ले जाती है।
और वो सब वो अपना काम है वो एकदम परफेक्टली कर रहे, यानी कि वो चीजें भूले बिना वो अपना काम करती है। और यहाँ पे ऐसी थाउजेंड्स कार है, मतलब ऐसी थाउजेंड्स ट्रेन्स है जो यहाँ पे दौड़ती है, और वो कब आती है, डे और नाइट में, अर्ली इवनिंग अर्ली मॉर्निंग में आती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ट्रेन्स वाली पोएम थी वो यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू।